अक्सर मरीज लोग कहते हैं मुझे कि अक्सर पेशेंट लोग बोलते हैं कि मेरा पेनिस फ्रैक्चर हो गया हस्तमैथुन की वजह से। तो आप सब जान लो कि जो हमारे लिंग का जो लिंग बना होता है, ये लिंग, ये हमारे हाथ नस देख रहे हो, हाथ नस, ये पतली नस देख रहे हो, इससे बना होता है, ये इलास्टिक होता है। इसमें क्या होता है, खून की नसें जो धमनियाँ ब्लड ले जाती है, वेन वापस लाती हैं, तो इससे बना होता है। ये जो है कितना मोड़ो तोड़ो, इसे फ्रैक्चर नहीं होता है। और जब भी पेनिस फ्रैक्चर होता है, कहीं भी फ्रैक्चर होता है, तो क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक खून बहता है, रिकॉर्डिंग आ रही है ना, खून बहता है, और दूसरा खूब दर्द होता है। तो अगर किसी को यहाँ मोड़ दिया, मतलब पेनिस खूब टाइट है, आपने मोड़ दिया, हम जो खुद किसी मोड़ते, मान लो उंगली मोड़ते हम, तो जहाँ उंगली मोड़ते हैं और दर्द होने लगता है, तो हम क्या होते हैं, अपना उंगली मोड़ो, खूब मोड़ो, अपने मोड़ो, तोड़ तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, हैं, तोड़ 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 दो, अपना उंगली को खुद तोड़ नहीं सकता है। कि जहाँ दर्द होगा हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तोड़ नहीं सकते आप। सिर्फ लिंक का भी क्या होता है, देखो जहाँ मोड़ोगे दर्द होगा, रुक जाओगे। जब भी लिंक फ्रैक्चर होता है तो ऐसा होता है, देखो कुछ फोटो दिखाता हूँ कैसा फ्रैक्चर होता है। जब भी लिंक फ्रैक्चर होता है तो जहाँ फ्रैक्चर होता है वहाँ ये हो जाता है, दो दो खून आता है। तो फ्रैक्चर किन परिस्थिति में होता है, फ्रैक्चर तब होता है, कभी कभी लोग, लड़के लोग हैंड पेंट कैसे करते हैं, नल का पानी चला दिया, शावर में कर रहे हैं, एक्साइटेड से झटके में पाँव से लेकर नीचे गिर गए, इसके धड़ से पूरा वेट से खुद नहीं किया, गिर गए। या कभी क्या लोग हैंड प्रैक्टिस करते, लोग इधर फोकस फोकस पाइप के अंदर, पाइप को, कोई पाइप लगा हुआ, पाइप के अंदर कर रहे हैं, एक्साइड उसको एक्साइड इम्बेलेंस हुआ, नीचे गिरे, थर्स हुआ। कभी क्या होता है, लोग धागा रस्सी बांध के हर तरह करते हैं लोग, इंसेप्शन जो सड़क गिरते हैं तो फ्रैक्चर होता है, क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, खुद मोड़ के आप फ्रैक्चर कर ही सकते हो। और जब भी फ्रैक्चर होगा क्या होगा, दो काम होगा, पहला काम होगा खूब खून आएगा, ये देखो खूब खून आएगा, ऑपरेशन करना पड़ता है। पूरा नीला हो जाता है खून से, पूरा देखो नीला, पूरा खून आ जाता है, ये देखो यहाँ फ्रैक्चर हो गया। ये बता रहे कि तो लिंग जो स्ट्रक्चर बना होता है, देखो खून की पतली पतली नसें होती हैं, ये फ्रैक्चर हो नहीं सकती हैं। ये देखो यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ से फट से मुड़ जाता है वहाँ से। लिंक का स्ट्रक्चर जो देखो होता है क्या, हमारे ऊपर तो दो गोला होता है, ये पेनिस का कट स्ट्रक्चर है, या छोटे छोटे देखो पाइप जैसा, नहीं हमारे हाथ से पाइप जैसे, ऐसी पाइप है। तो इसको कितना भी दबा दो, कितना दबा दो, कितना मोड़ दो, फ्रैक्चर तो सीखो तुम लोग। अगर जब तक सडन मोड़ने से खून ना आए, और कम से कम तीन चार दर्द में भर्ती ना पड़े, जबकि लिंग फ्रैक्चर नहीं हुआ है, अब बिना गिरे फ्रैक्चर हो सकता है। और विश्वास ना आप लोगों को, कोई अपना उंगली तोड़ देख लो जरा, या कोई चीज तोड़ देख लो। सर लक्ष्मी तो हमारी बात नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हम कभी ज़्यादा मोड़ दें तो क्या होता है, मसल ज़्यादा खींचने से दर्द हो सकता है, हल्का दर्द, और दर्द हुआ और दो चार ठीक हो गया, क्योंकि मसल खिंचाव था, मसल पुल था, उसको थोड़ी चोट लग गई, हमने हम मुक्का मार दिया, चोट लग गई, पर ना थोड़ी मसल फट गई, ये फटना नहीं है भैया, ये फटने वाली नहीं है। पर दुर्भाग्य, अच्छा मान कोई कितने मरीज बोलते, बॉल लग गई, बॉल लग गई, फ्रैक्चर हो गया, हो सकता बिना खून फ्रैक्चर नहीं होता है, समझ गए। तो पेनिस फ्रैक्चर बिना खून के, बिना सीवियर दर्द के, कम से चार पांच फ्रैक्चर नहीं होता है, दिमाग बैठाना पड़ेगा। फिर अगर नीमक और बोलता है, नीमक में बोलता है कड़े हाथ से करते हो, क्या बोलता है, कड़े हाथ से करते हो, अक्सर बोलता है। तो भाइयों बोलता, मैं इस लिंक को मैं इस पकड़ रहा हूँ, हम लोग हैंड पेंटिंग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, इसको मैं कड़े पकड़ लूँ तो क्या होगा, क्या होगा, चले गए नहीं, अपने अपने हाथ में, अपने हाथ पे चलाओ, अपने हाथ पे चला के देखो जरा,
क्या चल रहा है, अपने हाथ चलाओ, जाए चलाओ, अपने चलाओ, अथवा खड़े खड़े पकड़ लो, खड़े पकड़ लो, क्या होगा, चलेगा नहीं, स्टॉप हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो झूठ है, उनका एक ही पॉलिसी है, मरी को डराओ, तो मरी डरेगा नहीं तो मरी पैसे नहीं देगा। उनको चाहिए एक मरीज 20,000, 30,000, 25,000 चाहिए उनको, उनको चाहिए सालों भर मरीज बना रहे, वो तभी सालों भर मरीज बना रहेगा जबकि ज्ञान ना हो। और तो आई होप कि आप लोग साइंस बात मानेंगे इस कंडीशन में, ठीक है।